गुड इवनिंग सोनी शर्मा जी, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। कल के लिए माफ़ी चाहूँगा कि कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, नेटवर्क इशू की वजह से बार बार बफरिंग हो रही थी। जल्दी से जल्दी सोनी शर्मा जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो। जल्दी से जल्दी यंग इंडिया जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब जागो तभी सवेरा, वेरी गुड। गुड इवनिंग किशन सूर्या जी, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी लाइव हो जाएंगे उतनी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आज आपको नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्णतः मेरी ओर से कोशिश है, लेकिन कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, बीच में मुझे ब्रेक करनी पड़ी थी। मैंने सोचा फिर ऑफलाइन डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब बात नहीं पूछ पाते आप। ठीक है, अब ये बता दीजिए, केवल इतना कमेंट करके मुझे फिलहाल की कंडीशन में बता दीजिए कि आप मेरी आवाज़ को सही से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई बफरिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? केवल इतना कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। सोनू कुमार जी हाय, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड में? केवल बस मुझे इतना बता दीजिए, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, समय आपका भी बर्बाद नहीं, क्योंकि नेट भी आपके पास एक लिमिटेड होता है, बाद बाकी समय भी बहुत कीमती है। सब ठीक है यंग इंडिया जी? तो ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं। चलिए हो जाइए रेडी, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। जैसा कि हमारा ज्योमेट्री चल रहा है, और ज्योमेट्री की जो हमारी क्लास चल रही है वो एसएससी सीजीएल और कैट हायर लेवल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लास चल रही है। और जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज लेसन 5 है ज्योमेट्री से, पार्ट आपका ट्राइंगल चल ही रहा है। ज्योमेट्री में ट्राइंगल आपका चल रहा है, मीडियन आपकी चल रही है, मीडियन की एक क्लास हो चुकी है, आज मीडियन का पार्ट 2 है। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो ध्यान रख लें अच्छे तरीके से, कि नए बंदे जितने भी हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में सारे के सारे 4 पार्ट डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के उनको शुरू से कवर करें, बहुत अच्छे से ज्योमेट्री समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म तक मैं उसे लेकर के जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन का पार्ट 2, और बिल्कुल रेडी हो जाइए। ठीक है, सोनी शर्मा जी कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कल मिस हो गई है नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, हो जाइए रेडी। और साथ साथ आप स्क्रीन शॉट भी ले लिया करो, जिससे कि आगे के लिए नोट कर लिया करो, अगर नोट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं मीडियन। ठीक है, और मीडियन में काफ़ी सारी बातें हमने पहले पार्ट में कर दी हैं, अब बात करते हैं आज सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में शुरुआत कहाँ से होनी है उस बात पर आ जाइए। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। एक मीडियन है इसकी AD, दूसरी मीडियन है इसकी BE, और तीसरी मीडियन है इसकी CF। मीडियन के बारे में पहले बता चुका हूँ, 2 क्लास लगातार आपको एक क्लास मीडियन से रिलेटिव आपकी करा चुका हूँ। मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो मीडियन होती है। और किसी भी त्रिभुज में मीडियन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में मीडियन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड मीडियन कहलाता है। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, बिल्कुल कॉपी पेन हाथ में है। चलिए, अच्छी बात है, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, उसकी एक मीडियन AD है, दूसरी BE है, तीसरी जो है वो CF है। ठीक है, मान लिया मैंने कि हमारी जो AD मीडियन है वो M1 है, मैंने मान लिया कि हमारी जो BE मीडियन है वो M2 है, और मैंने मान लिया कि हमारे पास जो CF मीडियन है वो कितनी है? M3 है। आज की क्लास का पहला पॉइंट है ये। ठीक है, तो CF मीडियन हमारे पास M3 है। मैंने आपको बताया था कि मीडियन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका ग्रेविटी सेंटर होता है। क्या होता है? ग्रेविटी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है, 2:1 में बांटता है। यानी पॉइंट से, ग्रेविटी सेंटर से शीर्ष तक की दूरी जो है वो दुगनी होती है इस पॉइंट से भुजा तक की दूरी का। तो 2:1 में डिवाइड करता है, ये बात मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो
तो हम यहाँ पर बात करते हैं और वो बात ये करते हैं कि हमारे पास अगर ये मीडियन है AD और AD को हमने M1 माना है तो आपका जवाब होगा कि 2/3 M1 होगा ये वाला पार्ट, अगर इसका ग्रेविटी सेंटर कितना है G है तो ये वाला पार्ट 2/3 M1 होगा, ये वाला पार्ट हमारा 1/3 M1 होगा। अगर हम इस पर जाते हैं BE को हमने M2 माना है तो आपका जवाब होगा कि ये वाला पार्ट 2/3 M2 होगा और ये वाला पार्ट जो है वो 1/3 M2 होगा। अगर हमने CF को जो है वो M3 माना है तो ये वाला पार्ट हमारा 2/3 M3 होगा और ये वाला पार्ट जो होगा 1/3 क्या होगा M3 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास किसी भी त्रिभुज की अगर हमें 3 मीडियन दे रखी हैं तो 3 मीडियन देने के साथ साथ अगर उस त्रिभुज का वो आपसे एरिया पूछता है यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AB and C अगर एरिया पूछता है तो ये एरिया आपका होता है 4/3 × S − M1 S − M2 एंड S − M3 यानी ये वही है जो आपका हीरो फॉर्मूला होता है जहां S की वैल्यू जो है वो M1 + M2 + M3/2 जो हमने हीरो फॉर्मूला में अब तक पढ़ा। हालांकि हीरो फॉर्मूला जब आएगा तो हम इसको ड्राइव करके बताएंगे कहां से आया। मैंने आपको लगातार एक ही बात बताई है, गौरव कुमार जी जय हिंद। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि जब तक हम ज्योमेट्री में ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों और कैसे कहां से आया, जब तक हम ज्योमेट्री पर फतेह नहीं पा सकते हैं, ये हमको हर हालत में सीखना होगा कि ज्योमेट्री में ये वाला पॉइंट कहां से आया और कैसे बना। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करता हूं कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज की मीडियन हमको दे रखी है AD मीडियन M1 BE M2 CF जो है वो M3 है तो अगर हम उस त्रिभुज का एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया जो होता है उस त्रिभुज का 4/3 × √ S − M1 पहली मीडियन S − M2 S − M3 जहां S = M1 + M2 + M3/2 जिस तरीके से किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का योग का आधा जो होता था सेमी पीरीमीटर ठीक उसी तरीके से यहां पर मीडियन के योग का आधा है S की वैल्यू। बात क्लियर यहां तक? तो ये पॉइंट हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मीडियन ज्ञात होने पर वो हमारा ये होता है। लेकिन अब बात आती है कि ये आया कहां से, 4/3 कहां से आया, ये बात हम प्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको प्रूव करने के लिए जाते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो आया कहां से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, S = M1 + M2 + M3/2। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपसे यहां पर बोला कि मीडियन है हमारे पास में AD जिसका नाम है M1, तो इसका ग्रेविटी सेंटर से ये वाला पार्ट 2/3 M1 होगा, ये वाला 1/3 M1 होगा क्योंकि 2:1 में डिवाइड होती हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास BE मीडियन है जो कि M2 है तो ये वाला पार्ट BC जी के लिए 2/3 M2 होगा और ये 1/3 M2 होगा। इसी तरीके से CF है हमारे पास में तो 2/3 M3 और 1/3 कितना होगा M3 होगा। ठीक है, अगर मैं अब यहां से आगे के लिए मैंने बोला कि क्यों और कैसे ये जानना बेहद जरूरी है, हमारा डी पॉइंट है। अगर मैं यहां से आगे के लिए डी पॉइंट से GD को इतना बढ़ाऊं, मैं डी पॉइंट से GD को इतना बढ़ाऊं किसी पॉइंट पी तक कि GD बराबर DP हो जाए, GD बराबर क्या हो जाए DP हो जाए और मैं B से P को क्या कर दूं यहां पर मिला दूं, तो आपका जवाब यहां पर क्या होगा कि अगर ये 1/3 M1 है जितना ही हमने इसको बढ़ाया तो ये भी 1/3 हमारी कितनी हो जाएगी M1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/3 हमारे पास में कितनी हो जाएगी M1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पर देखें कि अगर ये वाले एंगल की बात करें और ये वाले एंगल की अगर हम बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सदैव क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर अब हम ट्राइंगल में जाते हैं, अगर हम ट्राइंगल में जाते हैं और किस ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल BDP इन ट्राइंगल BDP एंड BDP एंड GDC एंड GD यहां लिखे देता हूं बी ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल GDC। अगर हम इस दोनों ट्राइंगल में जाते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि ये हमारा क्या था मिड पॉइंट था D, तो ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, जितना ये था GD इतना ही हमारा DP है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी SAS रूल जो कि अपने आप में सर्वांग समता को दर्शाता है, साइड एंगल साइड। अगर किसी त्रिभुज या किन्हीं त्रिभुजों की दो भुजाओं के बीच का कोण समान है तो तीसरी भुजा भी
अगर दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण समान है तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो हमारा बीडीपी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल जीडीसी के। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि बीपी हमारी जो होगी वो किसके बराबर होगी, जीसी के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2/3 m3 है, पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये भी हमारे पास में 2/3 क्या होगी, m3 होगी। बात मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस त्रिभुज को बी जी पी को अलग उठा के रख दूं, अगर मैं इस त्रिभुज को, मैंने यहां पर क्या बोला कि मैं बी जी पी को अलग उठा के रख दूं, तो आपका जवाब क्या होगा कि मैंने बी बी जी एंड पी को अलग उठा के रख दिया, तो 1/3 1/3, तो ये हो जाएगी 2/3 m1। इसी तरीके से 2/3 m2 है, और इसी तरीके से ये 2/3 m3 है। कितनी है, 2/3 m3 है। क्लियर बात यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास में ट्राइंगल हो गया, और ट्राइंगल होने पर इसकी तीनों भुजाएं हमको पता है। अगर हमें इसकी तीनों भुजाएं पता है तो हम हीरो फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम हीरो फॉर्मूला इसका लगा करके अगर निकालेंगे एरिया, तो हमारे पास में जो एस की वैल्यू होगी तीनों भुजाओं का सम डिवाइड बाई 2, तो तीनों भुजाओं के सम में 2/3 2/3 2/3 आएगा, तो 2/3 कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस हमारा यहां बचेगा m3, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारी सेमी पेरीमीटर आ जाएगी इसकी। तो s इज इक्वल 2/3, ये जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए sm मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, sm मान लेता हूं। क्यों sm, इस वजह से मान रहा हूं कि कैलकुलेशन हमारी आसान बनी रहेगी, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। sm इज इक्वल m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाई 2, हमने sm इसको लिया हुआ है, ठीक है। हमने SM की वैल्यू जो है वो कितनी ली हुई है, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइड बाई 2। अब हम इसका एरिया निकालने के लिए जाते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया जो होगा इसका वो हीरो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग S की वैल्यू है हमारे पास में, देखिए क्या होता है, S S-A S-B S-C होता है हमारा हीरो फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर S की जगह पर हमारा 2/3 SM हमको पुट करना है, और A की जगह जो भुजाएं वो 2/3 m1 2/3 m2 2/3 m3 ये हमको पुट करनी है। तो कोई खास बात नहीं है, अगर हम इसका हीरो फॉर्मूले से अगर एरिया निकालना चाहते हैं इस ट्राइंगल का, तो ये हो जाएगा 2/3 SM, क्योंकि S की वैल्यू हमारे पास 2/3 SM है। दूसरे ब्रैकेट में हमारा होगा 2/3 SM-2/3 M1 हो जाएगा एक साइड। इसी तरीके से आगे के लिए बढ़ेंगे तो 2/3 SM-2/3 ये हमारे पास में हो जाएगा M2। अगर और आगे बढ़ेंगे तो 2/3 SM-2/3 ये हमारे पास में हो जाएगा M3। बात क्लियर, 2/3 यहाँ है 2/3 यहाँ है 2/3 यहाँ है कॉमन आ जाएगा। तो ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं 2/3 यहाँ है, तो अंडर रूट में जो हमारी वैल्यू बनेगी वो यहाँ 16 हो जाएगी, और 2/3 3/3 चार बार आएगा, तो नीचे हमारा 81 हो जाएगा। तो 81 होने के बाद में हमारी जो वैल्यू बचेगी वो SM SM-M1, और हमारे पास में जो बचेगी SM माइनस बचेगी हमारे पास M2, SM माइनस कितनी बचेगी M3। क्लियर, तो यहां से SM SM-M1 SM-M2 SM-M3। ठीक है, अगर अब हम यहां से इसको बाहर लेना चाहते हैं तो ट्राइंगल में से 4/9 बाहर आ जाएगा, और इनटू में हमारा जो बचेगा वो बचेगा SM SM-M1 SM-M2 and SM-M3 हमारा बचेगा। अगर हम बात करते हैं तो ये ट्राइंगल, इसका एरिया आया है GBP का, और GBP का आया है, तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका अगर एरिया इतना आया है, तो ये वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को जब काटती है तो 6 बराबर क्षेत्रफलों में बंटवारा कर देती है उस त्रिभुज का, तो 1 2 3 4 5 6 में बंटवारा कर दिया। लेकिन ये एरिया और ये एरिया आपस में समान है, तो जितना ये होगा इतना ये होगा, तो कुल मिलाकर के इस टोटल का जो एरिया होगा वो कंप्लीट इसका कितना होगा, 3 गुना। अगर हमारे पास खाली ये होता GBD होता, तो इसका कंप्लीट का 6 गुना हो जाता, लेकिन जितना ये इतना ही है। तो इस कंप्लीट एरिया को हमने वहां पर निकाल लिया है, तो इस कंप्लीट एरिया को जब हमने निकाल लिया है तो इसका एरिया जो होगा वो टोटल एरिया का कितना होगा, 3 गुना होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो हमारे पास में 4/9 का 3 टाइम कर देंगे 4/9, और इनटू में हमारी जो वैल्यू आएगी वो सेम
वही होगी जो कि ये यहाँ पर लिखी हुई है, तो तीन से तीन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो चार बटे तीन इंटू में हमारी वैल्यू जो है आगे के लिए वही कंप्लीट हमें क्या होगी प्राप्त होगी। ठीक है, आगे के लिए वही वैल्यू हमको क्या होगी प्राप्त होगी। क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये इनटू में ये वैल्यू हो जाएगी, और ये बात हमको पता है यहां पर कि हमारी जो वैल्यू थी वो एसएम की हमने कितनी ली थी, यहां पर एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डिवाइड बाई टू ली थी। ठीक है, तो अगर हम यहां से आगे के लिए इस वैल्यू को पुट करते हैं एसएम की को, तो हमारा कैलकुलेट होने के बाद में आपका जो एरिया निकल करके आएगा, इसको मैं मिटाई दे रहा हूं, आपका जो एरिया निकल करके आएगा वो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल हमारा एबीसी का जो एरिया होगा वो हमारा अपने आप में जो होगा वो 4/3, तो इनटू में रहेगा, इनटू अंडर रूट में जो होगा वो एस एस एम माइनस एम वन सॉरी एस, और हमारे पास में कितना हो जाएगा एस के बाद में एस माइनस एम वन एस माइनस एम टू, और हमारे पास में आ जाएगा ये एस माइनस एम थ्री। यही हमारा एरिया होगा किसी भी ट्राइंगल का जब हमें माध्य का दी हुई हो, जहां एस बराबर मैंने आपको बता दिया है कि एस बराबर एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डिवाइड बाई टू है वैल्यू। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम क्या करते हैं मिशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक बार और बताए दे रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज की माध्यिका जो होती है उस त्रिभुज को क्षेत्रफल दृष्टिकोण से 6 बराबर भागों में बांटती है। हमने जीडी को इतना बढ़ाया डी से लेकर के पी तक के लिए कि जितना जीडी है इतना ही डीपी हो जाए, तो 1/3 m1 हमारा ये है, तो 1/3 m1 हमारा ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल एसएएस रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, तो 2/3 m3 ये है, तो 2/3 m3 ये हो जाएगी। अब मैंने इस त्रिभुज को उठा करके जी बी पी को उठा करके मैंने वहां रख दिया, तो ये वाली साइड 2/3 m2 आ गई, ये वाली साइड 2/3 m3 आ गई, ये वाली साइड 2/3 m1 आ गई। अगर हम यहां से एस निकालना चाहें हीरो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एस जूकल ए प्लस बी प्लस सी बटे दो होता है, तो इसकी ए हो गई 2/3 m2, बी हो गई 2/3 m1, सी हो गई 2/3 m3, तो 2/3 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2 हो जाएगा। हमने थोड़ी देर के लिए m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2 को हमने sm ले लिया जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो sm बराबर हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 2 लिख लिया है, तो जिससे हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में ट्राइंगल का एरिया वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो s थी वो वास्तव में 2/3 sm है, तो 2/3 sm सेमी पेरीमीटर है, और 2/3 sm माइनस पहली साइड, 2/3 sm माइनस दूसरी साइड, 2/3 sm माइनस तीसरी साइड। तो अब इसके बाद में हम इसमें से 2/3 सब में से कॉमन लेंगे, 2/3 ऑलरेडी है, तो ये 16/81 हो जाएगा। sm बचेगा sm माइनस के m1 sm माइनस के m2 sm माइनस के m3 बचेगा। अगर हम इसको बाहर लेंगे तो 4/9 आ जाएगा, इंटू sm माइनस 1 sm माइनस m2 sm माइनस m3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें ट्राइंगल ABC का निकालना है तो जितना ये इतना ये, लेकिन ये हमने एरिया निकाला है तो ये इसका क्या होगा दोगुना होगा, तो टोटल एरिया जो होगा एबीसी का इस कंप्लीट का कितना होगा वो 3 times होगा। तो अगर हमने ट्राइंगल को एबीसी का अगर हमें एरिया निकालना है तो इस 4/9 इनटू का बाद बाकी 3 times करना पड़ेगा, 3 से 3, तो 4/3 हमारा 3 आ जाएगा, और इनटू में एसएम माइनस m1 sm माइनस m2 sm माइनस m3 आ जाएगा। और जब हम इसमें sm इजुकल अगर हम लगाना चाहते हैं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2 लगाएंगे, तो हमारी यही कंडीशन सॉल्व होकर के आ जाएगी, ट्राइंगल का एरिया 4/3 इंटू s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3, जहां s इजुकल m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे क्या है 2 है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है यंग इंडिया जी, यहां तक बात क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बात आती है कि इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से एसएससी ने पूछा है और किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपका जब हमें मीडियन पता हो तो वो किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी त्रिभुज की मीडियन हमको जैसे मान लीजिए एक 9 cm दे रखी है, दूसरी मीडियन जो है वो 12 cm दे रखी है, और तीसरी मीडियन जो है वो 15 cm दे रखी है। अगर मीडियन हमको ये दे रखी है तो हमसे पूछने लगे कि एरिया क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बता दिया ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसे आप इससे लगा सकते हैं 4/3 इंटू, अगर हम एस की बात यहाँ से करेंगे तो 9 और 12 21 21 5 26 और 36 बटे 2, तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि एस जूकल m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है, तो एस की वैल्यू 18 आ गई।
और 18 होने के साथ साथ 18 माइनस पहली साइड 9 हो जाएगी, इंटू 18 माइनस 12 करेंगे 6 हो जाएगा, 18 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4/3 गुणा में 9 गुणा 2 इसे कर सकते हैं, 9 ये है ही है, और 2 गुणा 3 6 को कर सकते हैं, 3 ये है ही है, तो 1 9 इनमें से बाहर आ जाएगा, तो 4/3 इंटू 1 9 इसमें से बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, 6 18, 18 4 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया था कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12 और 15 हैं, तो बताइए उसका एरिया जो है वो क्या होगा। ठीक है, बात मेरे हिसाब से क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चलिए, ये पहले तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद में हम इसके दूसरे मेथड पर जाते हैं कि उसको भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब तक के इतिहास में मैं आपको बता दूं, कि आज तक के इतिहास में जब कभी भी एसएससी ने ये पूछा हमसे क्वेश्चन, तो आज तक के इतिहास में ये जितनी भी मीडियन होती हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निर्माण करती हैं, अब तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने जितने भी पेपर देखे हैं, उनमें सब में यही कंडीशन निकल करके आई है कि जो मीडियन होती हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं, 9 12 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होगा। तो अगर आपको सीधा सीधा ट्रिपलेट मिलता है, तो आप जानते हैं कि ट्रिपलेट अगर हमको मिलता है, तो हम जानते हैं कि 9 12 और 15 कर्ण जो है हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 × 9 × 12 करेंगे 2 से 6 बार 6 निम कितना हो जाएगा 9 छिम कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 9 छिम कितना हो जाएगा 54। लेकिन यहां पर आपको 4/3 × में और कर देना है। ठीक है, तो 3 से 18 बार और कट जाएगा, और 18 चौक कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिलता है, अगर ये डायरेक्टली मिलता है कि मीडियन अपने आप में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बना करके तैयार करती हैं, अगर मीडियन अपने आप में पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाकर के तैयार करती हैं, तो हमको कहीं नहीं जाना है, दोनों जो हमारी मीडियन है उनका प्रोडक्ट करना और उसका आधा करना और उसको 4/3 से गुणा कर देना है। यानी 1/2 × एक साइड 9 है, छोटी छोटी दोनों साइड लेनी है, इंटू 12, और लेकिन इसका 4/3 कर देना है। ये सब कटपिट के जो आएगा हमारा वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और इसी तरीके से जितनी बार आया है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को ही देकर के मीडियन के रूप में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो बातें यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर अब हम इसको तीसरे तरीके से देखने के लिए जाते हैं, अगर अब हम इसको तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो जरा ध्यान दे लीजिए कि तीसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से मैंने डेरिवेशन को ड्राइव कराया, देखिए मैं आपसे लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि हमको यह जरूर पता होना चाहिए कि आया कहां से और कैसे। जब तक हम ये बात नहीं सीख पाएंगे, जब तक हमारा समाधान होने का नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको जिस तरीके से हमने इसकी डेरिवेशन को ड्राइव किया, ठीक अगर हम उसी तरीके से इसको आगे के लिए सॉल्व करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एबीसी एक ट्रायंगल है, जिसकी एक मीडियन हमारे पास में एडी है, दूसरी मीडियन हमारे पास में बीई है, तीसरी मीडियन हमारे पास में कितनी है सीएफ है। हमने यहां पर दिया कि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर, और हमने यहां पर दिया कि बीई इक्वल हमारा 12 सेंटीमीटर था, हमने यहां पर दिया कि सीएफ जो है वो हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 15। तो हमने बताया कि अगर एडी हमारे पास में टोटल 9 है, तो ये 2:1 में बांटेगा, तो ये वाला पार्ट 6 होगा, ये वाला 3 होगा। हमारे पास में अगर बीई 12 है, तो ये 2:1 में बांटेगा, तो 8 ये होगा और 4 ये होगा। अगर हमारे पास में सी एफ कंप्लीट 15 है, तो 10 ये होगा, 5 ये होगा। ठीक इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जितना कि हमारा जी से डी तक है, उतना ही हम डी से किसी भी पॉइंट पी तक बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरीके से बी से पी को मिलाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं, ये हमको 10 दे रखी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर हम अब इस ट्राइंगल को उठा करके यहां पर रख देते हैं, तो हमारे पास में जवाब होगा कि ये वाली साइड 10 हो गई हमारे पास में, ये वाली हमारे पास में 8 हो गई, और ये कितनी हो गई 6 हो गई। तो यहां से अगर हम एस की वैल्यू निकालेंगे, 8 6 14 10 24 24/2 का मतलब 12, तो एस जो आ जाएगी वो हमारी 12 आ जाएगी। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे, तो अंडर रूल में 12 × 12 - 8 हमारा 4 हो जाएगा, 12 - 6 6 हो जाएगा, 12 - 10 जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 को हम 4 * 12 भी कह सकते हैं, इंटू 4 हमारा है ही है, इंटू 2 * 6 भी कह सकते हैं, इंटू 2 हमारा है ही है। ठीक है, तो यहां से 1 4 दोनों में से ये बाहर आ जाएगा, और इन दोनों तीनों में से 1 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 * 12 = 12 दूनी कितना हो जाएगा
24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसका ये कंप्लीट एरिया होगा, इसका ये कंप्लीट एरिया होगा। और ये कंप्लीट एरिया जो होगा, इसमें से ये वाला जो हमको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हमको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका एरिया इतना होगा जितना कि इसका है। तो इसका एरिया इतना होगा तो आप समझ गए होंगे 24 में से 12 इसका होगा, 12 इसका होगा। और ये बात हमको पता है कि मीडियन जो होती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो उस त्रिभुज को क्षेत्रफल दृष्टिकोण से लगातार 6 बराबर भागों में बांट देती हैं। तो 12 एक पार्ट है, तो 12 ये 12 ये 12 ये 12 ये, तो हम टोटल एरिया निकालेंगे तो 12 × 6 = 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो हमको ये बात हर तरीके से, करण सिंह हेलो, तो ये बात हमको बिल्कुल कंप्लीट हर तरीके से पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन की ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं और किस तरीके से हम उतनी जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आया कहाँ से, ये भी मैंने बता दिया कि आया कहाँ से, और ये भी मैंने बता दिया कि हम क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं। एज ए डेरिवेशन जिस तरीके से मैंने ड्राइव किया, उस तरीके से भी मैंने आपको क्वेश्चन करके बता दिया, मीडियन से डायरेक्ट बता दिया, और अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है तो उससे भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, और आसानी से जब कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट कमेंट करके बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से देखिए, ये वाला ट्राइंगल जो था, ये बीजी और कौन सा था हमारा, पी, ये वाला था बीजी और कौन सा था, पी। बीजीपी का एरिया निकाला है हमने, बीजीपी का एरिया जो होगा वो टोटल का कितना होगा, 3 टाइम होगा, 24 था तो 24 ही 72 कर लो, या फिर अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं जिसमें से 24 आया है तो ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा, ये 6 बराबर भागों में बांटेगा, 12 से कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सोनी शर्मा जी फास्ट कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। बेहद महत्वपूर्ण क्लास है आप आज आपकी ये, और मैं आपको बता दूँ कि आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक में सब कुछ पार्ट बाई पार्ट आपको नोट करना है। ये नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मैं आपको क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, क्लास कंटिन्यू केवल इसी वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। और आपको मैं कम से कम 150 प्लस ज्योमेट्री की क्लास कराऊंगा, जिसमें कोई भी स्तर का अगर आपका एग्जाम आता है वो कभी खाली आपका नहीं जाएगा। क्लियर बात, आ गया यंग इंडिया जी, चलो बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से पॉइंट के साथ में, जरा ध्यान से सुन लीजिए। नमस्ते सौरभ चौधरी जी, नमस्ते। एक खूबसूरत से दूसरे पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है जिसका नाम है हमारे पास ABC, उसकी एक मीडियन है हमारे पास में AD, दूसरी मीडियन है उसकी हमारे पास में BE, और हमारे पास में उसकी तीसरी मीडियन है CF। क्लियर बात, हमारे पास में एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, एक मीडियन है उसकी AD, दूसरी है BE, तीसरी है उसकी CF। बात क्लियर यहाँ तक, तो मैं आपको बता दूँ इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास में जो मीडियन है, जिन दोनों साइडों के बीच में जो मीडियन आ रही है, जिन दोनों साइड के बीच में जो मीडियन आ रही है उनके स्क्वायर का सम, यानी पहला पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट आप याद रखना कि ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इनके बीच में जो मीडियन है वो क्या है, AD है, तो बराबर ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस इसके सामने जहां जिस मिड पॉइंट पर मिलती है उसमें से आधा भाग, चाहे तो आप DC ले लो चाहे आप BC ले लो, तो हम यहां पर जैसे कहने लगे DC का स्क्वायर। बात समझना मेरी बात, पहला पॉइंट अगर हम AD मीडियन को लेते हैं, अगर हम BE मीडियन को लेते हैं तो BE मीडियन कौन सी साइड के बीच में, AB और BC के में, तो यहां पर हम कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ BE का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ BE का स्क्वायर प्लस, यानी A और C का मिड पॉइंट है क्या E, तो इसमें से आधा, या तो AE ले लो या EC ले लो, तो इसका मतलब AE का स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरी मीडियन के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो तीसरी मीडियन के बीच में रिलेशन हमारा क्या होगा कि तीसरी मीडियन हमारी CF है, AC और BC के बीच में है, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, हमारे पास में मीडियन थी CF, तो CF का स्क्वायर प्लस, अब CF जहां पर मिलती है उस साइड में से चाहे तो AF ले लो चाहे BF, क्योंकि बराबर है, एक ही पार्ट लेना है, आधा लेना है, यानी पूरी साइड का आधा लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा AF का स्क्वायर। तो ये हमको बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद रखना है, और इस थ्योरम को जो हम कहते हैं वो अपोलोनियम थ्योरम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपोलोनियम प्रमेय कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अपोलोनियम प्रमेय कहते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं, अपोलोनियम प्रमेय कहते हैं।
एक बार दोबारा से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, देखिए थोड़ा सा टफ तो आपको लगेगा, अगर आपको बिल्कुल डीपली जानकारी चाहिए तो ये बात आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुए आप सीजीएल मेंस सीजीएल प्री को निकाल सकें, चलो प्री को निकाल लेंगे, लेकिन मेंस के लिए अगर बात आती है, कैट के लिए बात आती है, हाई स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए बात आती है, तो बिना इसको जब तक क्यों नहीं समझेंगे जब तक नहीं निकल पाएगा। तो देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसकी एक मीडियन है एडी, दूसरी है बी, तीसरी हमारे पास सीएफ। अब हमने बोला कि मीडियन का रिलेशन साइड के साथ में क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर एडी मीडियन है तो किन दोनों साइड के बीच में आई हुई है, एबी के बीच में और एसी के बीच में, तो एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ इस मीडियन का स्क्वायर एडी का स्क्वायर, लेकिन जिस पर जाकर के मीडियन बनती है उसका हाफ पार्ट, यानी बीसी पर बनती है तो हाफ पार्ट डीसी ले सकते हो या हम डीबी ले सकते हैं, तो डीसी का स्क्वायर। क्लियर? अगर हम दूसरी मीडियन बी लेते हैं तो किन के बीच में आई हुई है, ए बी और बी सी के बीच में, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ मीडियन हमारी जो थी वो क्या थी, बी थी, तो बी का स्क्वायर प्लस ए सी का हाफ, या तो ए ई ले सकते हैं या ई सी ले सकते हैं, तो ए ई स्क्वायर। बात क्लियर? इसके बाद में तीसरी मीडियन हमारी सी एफ जो कि ए सी और बी सी के बीच में आई हुई है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ सी एफ मीडियन हो गई। बाद बाकी किस साइड पर जाकर के मिलती है, ए बी पर, तो ए बी का हाफ कहीं से भी ले सकते हो क्योंकि ये मिड पॉइंट है एफ, तो ए एफ का स्क्वायर कह दो या एफ बी का स्क्वायर कह दो, तो ए एफ का स्क्वायर। इस थ्योरम को हम कहते हैं अपोलोनियम थ्योरम। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपोलोनियम थ्योरम आई कहां से उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा गया है एसएससी में, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, और जिसकी एक साइड 6 है, एबीसी हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 6 है, दूसरी 7 है, तीसरी जो है वो 8 है, उसकी एक मीडियन है हमारी क्या, एडी, ठीक है। तो यहां पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है हमारे पास में ए बी सी, उसकी एक मीडियन है एडी, साइड 6, 7 और 8 दे रखी है। तो यहां पर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बताइए इस एडी मीडियन की जो लंबाई होगी वो अपने आप में क्या होगी, तो अब इसमें बचा क्या, अब इसमें बचा क्या, तो हम यहां पर देखेंगे कि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एडी जो मीडियन है ए बी और ए सी के बीच की है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस, अगर ये 8 है तो ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, डी मिड पॉइंट है, कोई सा भी 4 ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से एडी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो एडी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फास्ट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, क्लियर है या नहीं है। इसके बाद अपोलोनियम थ्योरम आई कहाँ से, कैसे आई, इस बात को जानना बेहद जरूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, रेडी हो जाइए। अपोलोनियम थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब हम जाते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, कहां से आई, कैसे आई, इसके ऊपर जो है वो क्या है, ठीक है, तो रेडी हो जाइए। देखिए हमारे पास में क्या था, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, इसकी एक मीडियन है हमारे पास एडी, लगता है बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके नहीं मिली है तो तुमको कुछ फिगर ऑड लगेगा। एडी हमारे पास एक मीडियन है और एक मीडियन है हमारे पास में इसकी बीई, ठीक है, एक मीडियन है हमारे पास में इसकी बीई, दूसरी मीडियन है इसकी हमारे पास में सीएफ। क्लियर बात यहां तक? अब हमको ये प्रूव करना है कि जो अपोलोनियम थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने बात की वो कहाँ से कैसे निकल कर के आए, इस पॉइंट पर हमको बात करनी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ से ए से लेकर के साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, क्या खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनाएगा, तो हमारे पास में ये हो गया पॉइंट पी जिस पर कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम ट्राइंगल ए पी सी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ट्राइंगल ए पी सी में अगर हम जाते हैं, ट्राइंगल ए पी सी में अगर हम जाते हैं तो ये 90 है, तो ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा ट्राइंगल में, तो आपका जवाब होगा जी ए सी का स्क्वायर बराबर जो होगा वो ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर,
एपी का स्क्वायर प्लस जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, पीसी का स्क्वायर होगा। ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने देखा कि इस ट्राइंगल में ए पी डी जो है ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये ए डी भी इसका हाइपोटेनस होगा और ए सी भी होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और जाते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन जो निकालना है वो ए बी और ए सी में निकालना है और ए डी में निकालना है, तो ये ए पी को हमको यहाँ से भगाना होगा, केवल और केवल रिलेशन हमको ए बी ए सी और किस में निकालना है, ए डी में निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ए सी का स्क्वायर इजुकल अगर हम निकालेंगे, तो अगर हम ए पी का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कह देंगे ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर। क्या कह देंगे? ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से प्लस है हमारे पास में, और ये हमारे पास में पी सी अगर हमको निकालनी है तो पी सी को हम कह सकते हैं पी डी प्लस डी सी, पी डी प्लस डी सी, और इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास में ए सी का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा पी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस टू पी डी इंटू डी सी। बात क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ए सी स्क्वायर इजुकल हमारा आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस टू पी डी इंटू डी सी। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर वैल्यू कंप्लीट होगी, ठीक है। क्या होगी ये वैल्यू हमारी? कंप्लीट होगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ए पी बी में जाते हैं, ट्राइंगल ए पी बी में अब हम जाते हैं। तो ट्राइंगल ए पी बी में जाएंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट होगा कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा हमारे पास में ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा देखें कि भाई ए बी स्क्वायर बराबर ए पी को हमें ख़त्म करना है, तो ए पी को हमें ख़त्म करना है तो हम ए पी बराबर हमको क्योंकि रिलेशन ए डी में ए बी में और ए सी में चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर हमें ए पी को ख़त्म करना है तो ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर हमको लगाना होगा। तो ए पी का जो स्क्वायर है उसमें ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ से प्लस बी पी स्क्वायर की, तो बी पी हमारे पास ही है, तो आपका जवाब होगा कि बी डी माइनस पी डी का, अगर हमको बी पी निकालना है तो बी डी माइनस पी डी हमें करना होगा, तो बी पी की जगह पर हम लगा सकते हैं बी डी माइनस पी डी, और इसका हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर माइनस टू बी डी इंटू पी डी। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन ये हमको पता है कि जो बी डी जितना है इतना ही डी सी है, तो हम बी डी की जगह डी सी भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी डी बराबर हम डी सी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बी डी की जगह पर डी सी कर सकते हैं, क्योंकि डी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी सी का स्क्वायर, और यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस टू बी डी की जगह पर हम डी सी लगा सकते हैं, तो टू डी सी इंटू पी डी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर हम 1+2 करने के लिए जाते हैं, 1+2 इक्वेशन करते हैं, तो हमारा वन इक्वेशन हमारी ये थी। देखो हमको ये जरूर सीखना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से। हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, एल एच एस प्लस कर दिए इजूकल ए डी स्क्वायर, यहाँ है ए डी स्क्वायर, यहाँ है डी सी स्क्वायर, यहाँ है डी सी स्क्वायर, यहाँ है, तो 2AD² + 2DC² तो 2 कॉमन आ जाएगा, और हम यहाँ पर कह देंगे ए डी स्क्वायर प्लस का कितना कह देंगे डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस के 2PD × DC है, ये माइनस के 2PD × DC है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये बात हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर 2AD² + DC², यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ मीडियन ए डी का स्क्वायर प्लस मिड पॉइंट से चाहे तो डी सी का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और यही इसी को हम क्या कहते हैं, अपोलोनियम थ्योरम बोलते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि अगर हम इस मीडियन को लेते हैं बी को, तो आपका जवाब ठीक इसी तरीके से आ जाएगा निकल करके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बी ई का स्क्वायर प्लस इसका हाफ हो जाएगा हमारे पास में, और वो हो जाएगा हमारा ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल करके आ गया यहाँ तक।
अगर हम तीसरी मीडियन को लेते हैं तो हमारे पास में एसी और बीसी के बीच में बच रही है, तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, जरा ध्यान से समझना, बराबर ट्वाइस ऑफ हमारे पास में मीडियन हो जाएगी सीएफ, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख के बताया, प्लस ए बी का मिड पॉइंट एफ, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ए एफ का स्क्वायर हम कह सकते हैं, यानी ए ई जिस तरीके से यहां पर लिया था ठीक उसी तरीके से यहां पर हम ए एफ का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, ए एफ का स्क्वायर हम यहां पर कह सकते हैं। तो ये तीनों केसेस हमारे निकल कर के आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोलोनियन थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपोलोनियन थ्योरम, ठीक है, अपोलोनियन प्रमेय हम इसको बोल देते हैं। चलिए, परपेंडिकुलर एपी और मीडियन एडी में क्या डिफरेंस है, दोनों तो बीसी को बराबर डिवाइड करनी चाहिए। यंग इंडिया जी, मैं अभी इस विषय पर बात करूंगा मैं आपसे, इसको आप कॉपी कर लेना, उसके बाद लास्ट में आकर के पेस्ट कर देना इसको दोबारा से, उस पॉइंट पर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारी अपोलोनियम थ्योरम है, ये हमें विशेष तौर पर हमको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है, ये हमें को विशेष तौर पर याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसके बाद में थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाता हूं, ठीक है, उसके बाद हिल एजुकेशन, जी सर, चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा और रिलेशन हम निकाल करके देखते हैं कि भाई हमारा और रिलेशन इससे अभी क्या आ सकता है। तो ये तो हो गई आपकी अपोलोनियन थ्योरम, अपोलोनियन प्रमेय ये आपकी हो गई। अब हम इससे अगर और थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल के, बॉयस तुलसी चौधरी जी, बॉयस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्लियर है मेरी ओर से, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बफरिंग हो रही है क्या, चलिए इसी को आगे लेते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में निकल के आया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर टू ए डी स्क्वायर प्लस, ये आया हमारे पास में डी सी का स्क्वायर, तो जो डी सी है ये बी सी का क्या है, हाफ है, तो हम इसको डी सी के स्क्वायर को हम बी सी का स्क्वायर बटे चार कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरे को अगर उठाएं तो यहां पर हमारा आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस हमारे पास ए ई था, ए ई जो है ई मिड पॉइंट है, तो ये ए सी का हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी का स्क्वायर बटे स्क्वायर करेंगे टू का नीचे तो फोर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम तीसरे पॉइंट को उठाते हैं तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर ट्वाइस ऑफ सी एफ का स्क्वायर प्लस हमारे पास में जो ए एफ है, वो ए एफ में एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ए एफ को ए बी हाफ बोल सकते हैं, तो ए बी हाफ बोलेंगे स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास तीनों पॉइंट हैं, अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो दो बार देखिए ए बी आएगा इसमें, दो बार हमारा बी सी आएगा और दो बार ए सी आएगा, तो दो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें से, कितना आ जाएगा, दो हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, और दो कॉमन आने पर जरा ध्यान से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम, यंग इंडिया जी, चलो क्लियर है। चलिए अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास में ए सी स्क्वायर यहां है हमारा, ध्यान दीजिए इधर, इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, टोटल कंप्लीट को देखिए, कंप्लीट को अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये हमारा जो रिलेशन निकल करके आएगा वो आएगा थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अगर हम इस तीनों को कंप्लीट करके ऐड करके अगर हम प्लस करने के लिए जाएंगे तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो आएगा थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, बराबर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ए डी स्क्वायर प्लस के बी ई स्क्वायर प्लस के हमारे पास में आएगी सी एफ स्क्वायर, ठीक है। और ए डी बी ई और सी एफ हमारी क्या थी, मीडियन थी, जिनका कि हम नाम देते चले आए हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर बराबर फोर टाइम हो जाएगा। पहली मीडियन एम वन थी, दूसरी मीडियन एम टू थी, तीसरी मीडियन कितनी थी, एम थ्री थी, और ये वाला क्वेश्चन एस एस सी में पूछा गया है। तो यहाँ से ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं तो उस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का तीन गुना जो होता है
वह उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग के चार गुने के बराबर होता है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है कि तीन की जगह चार मत कर देना, चार की जगह तीन मत कर देना। आपको यह विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीन होती हैं, मतलब त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या तीन होती है, तो भुजाओं की संख्या तीन होती है तो आगे तीन लगा देना है, बाद बाकी मीडियन के आगे चार लगा देना। ये गलतियां हो जाती हैं, चार की जगह तीन और तीन की जगह क्या हो जाता है, चार हो जाता है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का तीन गुना उस त्रिभुज में उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग के चार गुने के बराबर होता है। बात मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्कुल SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकल करके हम वहाँ पहुँच गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी आपका बेसिक ही चल रहा है। सालू राठौर, आप शुरू से नहीं थे क्लास में, ठीक है। अभी आपका बेसिक चल रहा है, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि सर ये सब कुछ बता दिया लेकिन क्लासों को आपको कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। यंग इंडिया जी, सर तीन कैसे दो होना चाहिए, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, तीन कैसे दो होना चाहिए। लेकिन अगर आप इधर से भी कैलकुलेट करने के बाद आएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएंगी और वैल्यू आने के बाद में वो काटपीट होने के बाद दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में यहाँ तीन बन जाएगा, वहाँ पर वैल्यू कट जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ये बोला है कि सर इधर तीन है इधर चार है, ठीक है, लेकिन आना चाहिए इधर, यहाँ पर क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए। तो मिस्टर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जब उसे आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये हमारा 8/3 बनेगा। यानी यंग इंडिया जी ने ये पूछा है मुझसे कि हमारी जो वैल्यू आई है वो 3AB² प्लस के BC² प्लस के CA² बराबर हमारी जो वैल्यू आई है 4AD² प्लस BE² प्लस CF², ठीक है, ये वाली वैल्यू है। इनका कहना है कि यहाँ तीन कैसे आएगा सर, चार यहाँ पर दो आएगा। तो मिस्टर इंडिया मैं आपको बता दूँ, यंग इंडिया के यहाँ पर तीन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा दो, लेकिन अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो इधर चार की जगह आपका 8/3 आएगा, ठीक है। तो जिससे कि ये दो से चार बार कैंसिल हो जाएगा और तीन उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा चार हो जाएगा, ठीक है। यंग इंडिया जी उसे आप सॉल्व करके देखना, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपने एक साइड की तरफ तो देख लिया है, मैंने बोला कि वहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके देखोगे तो यही आएगा। आपने एक पॉइंट को सॉल्व करके LHS को देख लिया था, लेकिन LHS और RHS को अगर आप सॉल्व करेंगे, अब इतना सब कुछ कैलकुलेशन तो भाई करना आपका भी काम है, ये बात बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यंग इंडिया जी समझ में बात आ गई मेरे हिसाब से या नहीं आई मुझे कमेंट करके बताइए। उस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो ये फॉर्म आएगी, यहाँ पर तो दो ही आएगा लेकिन इधर जो है वो 8/3 आएगा, दो से 4 कट जाएगा, ये तीन जो है क्रॉस में इधर पहुँच जाएगा तो चार वहाँ आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है या नहीं है, फटाफट से फास्ट बताइए बात क्लियर है या नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ओके है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। कमेंट भाई तुम थोड़ा लेट लिखते हो, ठीक है, कमेंट साथ के साथ लिख दिया करो यंग इंडिया जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही जबरदस्त आने वाला है आपके सामने। देखिए आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या बक रहा है, मैं बक नहीं रहा हूँ, अगर अच्छा एग्जाम क्रैक करना है तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन ज्योमेट्री में जब तक क्यों को आप नहीं पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन की अप्रोच को आप नहीं पकड़ सकते हो, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो। तो मेरा मतलब आपसे यह है दोस्तों कि जब तक हम क्यों नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारे पास फिर एक मीडियन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने आप में डेरिवेशन है, अच्छे से ध्यान देना, समझ में ना आए 6 कमेंट करके बता देना, ठीक है। हमारे पास में एक ट्राइंगल है भैया जिसका नाम है ABC, इसकी एक मीडियन है हमारे पास में AD। यंग इंडिया जी आप अपने कमेंट को वहाँ पर रखना कि सर मीडियन और जो एल्टीट्यूड है वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, मैं उस पर बात करूँगा, आप जो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, बाद में आकर के। तो हमारे पास में ये AD मीडियन है, ये हमारे पास में BE मीडियन है और ये हमारे पास में एक CF मीडियन है। कौन सी है? CF। अगर हमारे पास में AD जो है वो M1 है,
बीई हमारे पास में एम टू है और सी एफ हमारे पास में एम थ्री है, तो आपका जवाब होगा कि भाई 2/3 m1 तो ये हो जाएगी और 1/3 m1 ये हो जाएगी। आपका जवाब होगा भाई कि 2/3 m2 ये हो जाएगी तो 1/3 m2 ये हो जाएगी, क्योंकि 2:1 में बटते हैं। आपका जवाब होगा भाई 2/3 m3 ये हो जाएगी तो 1/3 m3 आपकी ये हो जाएगी। ये बात बिल्कुल यहाँ तक क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब यहाँ से आगे के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, और थोड़ा सा मैं ध्यान इस तरीके से दूँ कि मैं इनमें से कुछ पार्टों को मिटा दूँ, और कुछ पार्टों को मिटाने के लिए एक इस वाले पार्ट को मिटा दूँ, ज़रा देखना ध्यान से, और एक मैं इस वाले पार्ट को मिटा दूँ और मैं एक इस वाले पार्ट को मिटा दूँ, क्लियर बात। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये तो भाई ग्रेविटी सेंटर था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब ये ग्रेविटी सेंटर था तो यहाँ से बहुत अच्छा रिलेशन निकलने के लिए जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। यंग इंडिया जी, क्या यू आर राइट, नो बकवास। चलिए, तो ये तो हमारा ग्रेविटी सेंटर होगा, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ट्राइंगल हम ए जी बी को लेते हैं तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपका जवाब होगा कि भाई 2/3 m1 प्लस, जरा ध्यान से सुनना, 2/3 m2, 2/3 m2 ग्रेटर देन होगा हमारा किससे, बी ए से या ए बी से, बात समझ पा रहे हो, किससे, ए बी से, क्लियर। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस पर जाते हैं, अगर हम इस पर जाते हैं तो हमारा जवाब होगा कि 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 बड़ा होगा किससे, बी सी से, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से, सॉरी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारा किससे, बी सी से। ठीक इसी तरीके से ए जी सी ट्राइंगल में अगर हम जाएंगे तो 2/3 m3 प्लस 2/3 m1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारा किससे, ए सी से, बात क्लियर। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर ये बात पता चल रही होगी, आपको ये बात पता चल रही होगी कि 2/3 तो सब में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या स्थिति निकल के आएगी कि 2/3 तो सब में से कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये आपको पता है कि m1 यहाँ है, m1 यहाँ है, 2m1 बन जाएंगे, m2 यहाँ है, 2m2 हो जाएंगे, m3 यहाँ है, तो 2m3 हो जाएंगे, तो एक और 2 कॉमन आ जाएगा, बात क्लियर यहाँ तक, एक और 2m2 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास अंदर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। भैया कैलकुलेशन इतनी नहीं बताऊँगा, कैलकुलेशन केवल हर पॉइंट को, कैलकुलेशन जो है वो हर पॉइंट को ध्यान में रखते हो, कुछ आपको भी दिमाग लगाना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे 2/3 सब में से कॉमन आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में 2m1 बचेंगे, 2m2 बचेंगे, 2m3, दो एक और बाहर आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बचेंगे या नहीं बचेंगे, बात क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ से आगे के लिए ग्रेटर देन अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस के कितना हो जाएगा, सी ए। अब दो दूनी चार हो गया, तीन उधर चला जाएगा, तो चार हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, बात समझ पा रहे हो, तीन वहाँ पहुँच जाएगा, तो ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जबरदस्त पॉइंट यहाँ से निकल करके आया है, और ये भी SSC के द्वारा पूछा गया है रिलेशन के तौर पर। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग का 4 गुना सदैव बड़ा होता है उस त्रिभुज की भुजाओं के योग के 3 गुने से, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट, और SSC के द्वारा ये पूछा भी गया है, ठीक है, SSC के द्वारा ये पूछा भी गया है। अभी हमने ये देख लिया, उससे पहले हमारा क्या आया था, उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमारी अप्रोच आई थी कि 3 AB² प्लस के BC² प्लस के CA² जो आया था वो बराबर आया था 4 AD² प्लस BE² प्लस CF² के बराबर आया था। तो इनमें आप थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये आपकी साइड है, डायरेक्ट प्लस हो रही हैं, तो साइड 3 होती है ट्राइंगल में, तो इधर 3 आ रहा है और इधर जो है मीडियन के लिए 4 है, समझ रहे हो। तो इनमें बिना स्क्वायर के सीधा सीधा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है तो मीडियन के सम का 4 टाइम जो होता है वो साइड के सम के 3 टाइम से ग्रेटर देन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमने पिछली डेरिवेशन वहाँ पर की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ
बहुत तेजी से काम करना है, ठीक है। उम्मीद करते रहिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपको भाई कंटिन्यू क्लास नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें। बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ नेटवर्क इतना नहीं मिल पाता है। जितना हाई फाई प्लान है वो हमने ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक विशेष थ्योरम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, और जिसका नाम है भैया हमारे पास में ABC, क्या नाम है हमारे पास में उसका, ABC, बात क्लियर। अगर उस ट्राइंगल की कोई भी दो मीडियन 90 डिग्री पे काटती हैं, जैसे इसका नाम E, इसका नाम F, तो BE और CF अगर ये हमारी 90 डिग्री पर अगर काटती हैं, तो केसेज हमारा क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला है आपसे कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, कितने पर काटती हैं, 90, ये 90, ये 90, ये 90, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये जरूर समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको बता दूं, ए बी स्क्वायर ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5 टाइम होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के। इसको आप खूब अच्छे तरीके से नोट कर लेना, और इससे रिलेटिव मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर हमारे पास में कोई भी ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, उसकी दो माध्यिका BE और CF अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिन शीर्षों से माध्यिकाएं निकल रही हैं उस साइड को छोड़ करके बाद बाकी जो हमारी दो साइड हैं जैसे AB और AC, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होता है, जो थर्ड साइड हमारी बच रही है ना, उसके स्क्वायर के 5 टाइम होता है, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपको बात बिल्कुल याद रखनी है, और याद करने के साथ साथ ही हम आपसे बात लगातार कर ही रहे हैं कि जब तक हम ज्योमेट्री में क्यों पर बात नहीं करेंगे तब तक हमको भी मज़ा नहीं आएगा, और हो सकता है अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो मज़ा आपको भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, तुलसी चौधरी जी ऑफलाइन पढ़ लेना, ये आपकी 5वीं क्लास है, ये 150+ क्लास होनी है आपकी ज्योमेट्री की। अभी तो ट्राइंगल की हमने शुरुआत की, अभी लंबे विषय पर बात ही नहीं की है, ठीक है। ये तो आगे धीरे धीरे क्लासें बढ़ती रहेंगी, और उनको पीछे से कवर करते रहिए जब आपका नेटवर्क सही हो, ठीक है। और जहाँ आप रहते हो वहाँ पर आप सिम चेंज कर सकते हो, सकता है उस दूसरा नेटवर्क मिल जाए, लेकिन यहाँ तो मैं परेशान हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको प्रूव करने के लिए जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये इसका जी होगा, ग्रेविटी सेंटर होगा। अगर ग्रेविटी सेंटर होगा तो ये बात आप यहाँ पर बखूबी समझ रहे होंगे कि अगर ये वाला पार्ट 2x होगा तो ये वाला पार्ट हमारे पास x होगा। इसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट 2y होगा तो ये हमारे पास में क्या होगा, y होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात का जवाब दें कि ये मीडियन है तो ये वाला पार्ट बराबर होगा, ये मीडियन है इसके लिए CF मीडियन है तो ये वाला पार्ट बराबर होगा, इसके लिए BE मीडियन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया करंट, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2x² + y², ये हमको प्रूव करके लाना है, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लेना, AB² + AC² = 5BC², ये फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करके लाना है, तो बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना है इसको, ठीक है। देखिए अगर हम इस ट्राइंगल में जाते हैं, अगर हम इसको ग्रेविटी सेंटर जी नाम देते हैं, तो FGB में जाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4x² हो जाएगा प्लस y², यानी करंट का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो बराबर हम करेंगे इसे BF का स्क्वायर, लेकिन BF जो है वो है कितना, AB का आधा, तो इसका मतलब AB/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो AB/2 का स्क्वायर करेंगे तो AB² / कितना हो जाएगा 4। बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम ट्राइंगल EGC में अगर हम जाते हैं, तो इसमें x² + 4y² हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4y² इज इक्वल हो जाएगा CE का स्क्वायर, लेकिन CE जो है वो AC का क्या है, हाफ है, तो इसका मतलब AC के हाफ का स्क्वायर करेंगे तो AC² / 4 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करने के लिए जाएंगे तो 5x² होगा, 5y² होगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो x² + के कितना हो जाएगा, y², और x² + y² जब हो जाएगा तो ये बात आप यहाँ पर बखूबी जान रहे होंगे, ये हमारे पास में AB² + ये कितना है AC² / कितना हो जाएगा 4। अब बात आती है कि हमें तो रिलेशन भाई साइडों के बीच में निकालना है, x² y² कहाँ से आए, तो इन्हें हमें समाप्त करना होगा। तो अब हम आपको बता दें कि अगर हम F से
ई को मिलाते हैं, अगर हम एफ से ई को मिलाते हैं तो ये सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, ठीक है, समरूपता पढ़ेंगे जब इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ और पीछे भी की क्लास में भी मैंने इसके हिंट दे दिए है, जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, मान लीजिए कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये वाली जो साइड है जो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है तीसरी साइड के जो हमारी डी ई है वो तीसरी साइड के तो हाफ होती है, यानी बी सी का आधा होगी और बी सी का आधा होने के साथ साथ जस्ट इसके पैरेलल भी होगी। तो क्या ये एफ और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। तो एफ ई जो होगी वो बी सी का हाफ होगी या नहीं होगी? तो आपका जवाब होगा कि एफ ई जो होगी, एफ ई जो होगी वो बी सी का क्या होगी? हाफ होगी। आप इस बात से सहमत होने चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात और पता चल रहा है, वो बात ये पता चल रहा है कि अगर हम ट्राइंगल एफ जी ई में जाते हैं तो वाई ये है, एक्स ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ई एफ का स्क्वायर। और ई एफ को हम कितना लगा सकते हैं? बी सी बटे दो। तो हमारा जवाब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई एफ की जगह बी सी बटे दो लगा सकते हैं, तो बी सी का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? चार। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बी सी स्क्वायर बटे चार लगा सकते हैं, तो फाइव इंटू हम यहाँ पर कर सकते हैं बी सी स्क्वायर बटे चार बराबर हम यहाँ पर कर सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे चार। तो चार से चार कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा रिलेशन जस्ट निकल के आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर फाइव बी सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा जो कि हमने अभी आपसे बातें इसकी की थी, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पर अभी आपसे बिल्कुल की थी जस्ट कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बराबर फाइव बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन तब होता है जब दो माध्यिकाएं अपने आप में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, और ये बात मैंने आपको प्रूव करके भी यहाँ पर बता दी है। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और इस पॉइंट से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा किस तरीके से जा सकता है उस विषय पर भी हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर हमको 7 दे रखा है और हमको ए सी बराबर हमको 6 दे रखा है, ए बी बराबर 7 दे रखा है, ए सी इजुकल 6 दे रखा है, और हमसे बी सी बराबर पूछता है, तो क्या हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं? ए बी हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए सी हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर 5 नीचे आ जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर है तो बी सी का स्क्वायर कर दीजिए, 37 49 6 से 36 कैलकुलेट करने के बाद में हम बी सी की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बातें क्लियर होंगी, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिल एजुकेशन से एजुकेशन आप बढ़िया हो, ओके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोनी शर्मा जी सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताते रहिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेहद ज़रूरी है, प्रत्येक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की क्लास आपको नहीं मिल पाती है, वो सीधा सीधा आपको मिल जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको ये बात साथ साथ बता करके चल रहा हूँ। आपका लग रहा होगा कि क्लास लेंथी हो रही है, भाई लेंथी हो रही है तो मज़ा भी तो आपको ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप जो है एक नोटबुक बनाएं, लेसन हमारा 5 चल रहा है, जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, वो सीक्वेंस से करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको करने के बाद, जब आप लगातार पढ़ेंगे किसकी पहले आवश्यकता है, उसके बाद किसकी आवश्यकता है, उसके बाद किसकी आवश्यकता है, नो प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अब ये तो आप समझ ही सकते हो भाई, देखिए मैं वास्तव में बताऊं कि मैं लेकर के क्लासों को 10+2 के लेवल के एग्जाम के लिए भी लेकर के आ सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं अभी नहीं आऊंगा, मुझे मज़ा नहीं आता है उन क्लासों में, वही मुझको 2-3 या 6 करना पड़ता है, मुझको कुछ ऑड सा लगता है भाई, आप बुरा मत मानना, मैं अपना बड़प्पन नहीं बता रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। तो कुल मिलाकर के अच्छे लेवल की तैयारी आप कर सकते हो इस चैनल पर मैथ के लिए और सब्जेक्टों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जस्ट हम इसका उल्टा लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उल्टा पॉइंट लेते हैं, ज़रा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी ट्राइंगल है, अब तक वहाँ मीडियन थी, तो मीडियन जो थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा है, अब हमारे पास ट्राइंगल ऐसा है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है SSC में। एक ट्राइंगल है हमारे पास में जिसका नाम है ABC और वो अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है, बात क्लियर है, कितना है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री पर से कंडीशन ये है कि हाइपोटेनस वाली हम मीडियन को नहीं लेते हैं, बाद बाकी हमने इसकी एक मीडियन AD ले ली और दूसरी मीडियन हमने BC ले ली, ठीक है, सॉरी CF ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं CF,
कुछ भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, नहीं तो एम ले लीजिए, यहाँ पर एन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राई एंगल है जो बी पर 90 डिग्री बनाता है, और उसकी एक मीडियन ए एम है, दूसरी जो है वो सी एन है, लेकिन हाइपोटेनस वाली मीडियन को यहाँ पर छोड़ा गया है। अगर ऐसा केसेज आपका होता है तो मैं आपको बता दूँ कि पहली मीडियन बड़ा अच्छे तरीके से समझना है, ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर बराबर जो होता है हमारा वो 5/4 और ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर जो हमारी साइड छूटी हुई है, यानी हाइपोटेनस यानी जो कर्ण हमारा छूटा हुआ है उसके स्क्वायर का 5/4 टाइम्स होता है। बात क्लियर? इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में ये तो भाई मैं नहीं मानूंगा कि क्यों कैसे, ये बताना नहीं मानूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास कीजिए, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। क्यों जरूर जवाब दूंगा मैं प्रत्येक बात का, जब तक मुझे आनंद नहीं आएगा और आपको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पर बोला क्या कि ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रूव करने के लिए अब जाते हैं साहब। चलिए देख लीजिए, ये हमारा एम मिड पॉइंट है बी सी का। अगर ये वाला पार्ट एक्स होगा तो ये वाला पार्ट भी एक्स होगा। ए बी का मिड पॉइंट है एन, अगर ये बाई होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, बाई होगा। अगर अब हम ट्राइंगल ए बी एम में जाएं, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर हम ट्राइंगल ए बी एम में जाएं तो ट्राइंगल ए बी एम में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा जी, इस पर बात कर लेते हैं। ए बी एम में मिलेगा ये हाइपोटेनस होगा ए एम, तो आपका जवाब होगा कि ए एम का स्क्वायर जो होगा वो बेस हो जाएगा बी एम, तो एक्स स्क्वायर, और ये कंप्लीट हो जाएगा 2/2, तो 2/2 का स्क्वायर। तो हमारा जवाब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हमारा 4/2 स्क्वायर बराबर जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, ए एम के स्क्वायर के। किसके बराबर होगा, ए एम के स्क्वायर के। आप सहमत हैं इस बात से, होनी चाहिए। अब अगर हम ट्राइंगल सी एन बी की बात करते हैं, ट्राइंगल सी एन बी में अगर अब हम जाते हैं तो हमारा जवाब क्या होगा, सी एन बी में एक्स और एक्स हमारा कितना हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 2y², तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2y² बराबर, ये हो जाएगा हमारा सी एन का स्क्वायर। जरा आप समझना मेरी बात। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं का स्क्वायर क्यों लिया, इस पूरे ट्राइंगल में क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बता दूं भैया, ये हमने इस वजह से लिया है कि हमको टर्म्स जो निकालना है वो ए एम और सी एन का निकालना है। अगर हम इस ट्राइंगल में लेंगे तो हमें ए एम मिल जाएगा, इसमें लेंगे तो हमें सी एन मिल जाएगा, लेकिन अभी ये बच रहा है, तो ये बच रहा है, ये देखना कि ये कैसे आएगा। अगर हम इसको प्लस करने के लिए जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5x² 5y², तो हमारा हो जाएगा 5x² प्लस के 2y², हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बराबर हमारा जवाब होगा जी भैया ए एम का स्क्वायर प्लस के हमारा होगा सी एन का स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे आप यहाँ पर ये वाला जवाब दीजिए कि n मिड पॉइंट था इस साइड का और m मिड पॉइंट है इस साइड का, अगर हम इस मिड पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास में m n जो है वो x m n का जो स्क्वायर होगा वो x² प्लस 2y² के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 × x² प्लस 2y² की जगह पर हम एम एन का स्क्वायर भी कह सकते हैं, एम एन का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस के हमारा हो जाएगा सी एन स्क्वायर। अभी हमें पता है, ये हम बात काफ़ी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होता है। तो ये मध्य बिंदु है तो ये हाइपोटेनस का जस्ट क्या होगा, आधा। तो हम इसको एम एन को हम ए सी का हाफ कह सकते हैं, तो आपका जवाब होगा भैया 5 और एम एन को हम ए सी का हाफ कहेंगे तो स्क्वायर है, तो ए सी का हाफ का स्क्वायर करेंगे तो ए सी स्क्वायर 4 हो जाएगा और बराबर में हमारा आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सी एन स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू निकल करके आएगी भैया ए एम स्क्वायर प्लस के सी एन का स्क्वायर बराबर 5/4 और ये हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ये रिलेशन बेहद महत्वपूर्ण है जो कि मैंने आपको बताया, और ये इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कंप्लीट कि ये इस तरीके से होता है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए।